Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing very well and living your healthy, wealthy and beautiful life. I truly wish and I truly hope कि आप जो भी manifest कर रहे हो आपके dreams, goals, desire, career, specific person को, future spouse को, I truly wish and I truly hope कि वो जल्द से जल्द manifest हो जाए आपकी life में. आज की reading थोड़ी different रहेगी. आज की reading में basically हम देखेंगे कि आपकी destiny क्या है, आपकी जो अभी तक की जर्नी है लाइफ की वो आपको कहाँ तक लेके आई है, एंड आगे आपकी जो जर्नी है लाइफ की, जो डेस्टिनी की जर्नी है वो कैसी रहेगी, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी मैरिज किससे होगी, शादी किससे होगी, आपका करियर कैसे रहेगा, ओवरऑल हम सब देखेंगे आपकी रीडिंग में. आपको पाइल का सिलेक्शन आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग करना है. अगर आपकी बर्थ डेट पाइल नंबर 1 में है तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग देख सकते हैं, एंड अगर आपकी बर्थ डेट पाइल नंबर 2 में है तो आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग देख सकते हैं. इस रीडिंग में बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपके जो कर्मास हैं, जो आपकी लाइफ में जो लोग हैं, जो फैमिली है, जो जो आपके स्पेशल पर्सन हैं, सब वो सब उसके रिलेटेड हम सब मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ तक क्यों लेके आई है, एंड आगे आपकी जर्नी कैसी रहेगी, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जा रही है. सो वी विल बिगिन विद पाइल नंबर 1. जिन्होंने पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन किया है, जिनकी बर्थडे पाइल नंबर 1 में है, लेट्स बिगिन देयर रीडिंग एंड लेट्स सी कि उनकी डेस्टिनी क्या है, एक्चुअली उनकी डेस्टिनी उनको कहां लेके जा रही है. काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आई मस्ट से. पाइल नंबर 1 आपकी जो डेस्टिनी यहां तक आपको जो लेके आई है, काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है, आपने काफ़ी हिम्मत से काम लिया है अपनी लाइफ में, आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं अभी तक आपकी लाइफ में, एंड आपने अपने आप को काफ़ी पॉलिश किया है. जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो डिफ़िकल्टीज आई हैं बेसिकली आपकी लाइफ में अभी तक, आपने काफ़ी पॉजिटिव रह के उन चैलेंजेस का सामना किया है, उन तकलीफ़ों में से सल्यूशन निकाला है, एंड काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं आप पाइल नंबर 1. एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा आप है ना प्रॉब्लम्स पे नहीं, आप उसके सॉल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं पाइल नंबर 1. जो आपका अप्रोच है टूवर्ड्स योर लाइफ, एंड इसमें आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर कर दिया है, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल किया है, काफ़ी आपने अपने आप में काफ़ी आपने हुनर भरे हैं, एंड आप जो चाहते हो, आप जो डिज़ायर्स रखते हो, आपकी जो डेस्टिनी है, आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो. आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं अपने थॉट्स के साथ, आप क्विक डिसीजन टेकर हो. जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप उस पे जो काफी लोग ऐसे होते हैं जो बस हो रहा है होने दो, नहीं, आप चाहे आपको डेस्टिनी यहां तक कैसे भी करके लाई हो, बट आप जो डेस्टिनी के चैलेंजेस हैं काफी अच्छे से उन सब का सामना करते हो, एंड आई थिंक आपको फैमिली से फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम मिला है, सो आपने उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, एंड जो ओवरऑल आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी आपको काफ़ी आपने उसके लिए स्ट्रगल किया है. आपने अपनी मेहनत पे, अपनी हिम्मत पे
काफी कुछ हासिल किया है अभी तक आपकी लाइफ में। हाँ, हालांकि आप कई बार उदास हो जाते हो, ओवरवेल्म हो फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कभी कभी काफ़ी एक ऐसे स्पॉट में आप फील करते हो जहाँ पे आप काफ़ी अकेले हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट आपने इन सब चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए रास्ते भी खुद ही बनाए हैं। एंड आई थिंक आप वन मैन आर्मी हो, आप आप चाहो तो आप कुछ भी पलट सकते हो, आपके अंदर हिम्मत इतनी है। देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी आगे आपको कहाँ लेके जा रही है, या आगे कौन ऐसा है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, या क्या आगे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कौन से ऐसे बड़े चेंजेस हैं या चैलेंजेस हैं जो आगे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, ऑलराइट। वाओ, पायल नंबर वन, आई आई मस्ट से जितना भी आपने अभी तक स्ट्रगल किया है, डेस्टिनी आपको उसका काफी अच्छे से उसका रिजल्ट देने वाली है। काफी बेहतरीन मैं कहूंगी कि रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जो भी आपने स्ट्रगल्स किए हैं अभी तक, डेफिनेटली वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए थे, इसलिए आपको इन सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपको रिलेशनशिप में अभी तक कहीं पे भी कोई ऐसी ट्रू रिलेशनशिप ऑफर नहीं हुई है, कोई भी ऐसी सीरियस रिलेशनशिप अभी तक आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है जिससे आपको फील हो कि वो काफी रोमांटिक कनेक्शन है। हालांकि करियर में अभी तक आपने जो स्ट्रगल्स किए हैं उनके रिजल्ट्स काफी बेहतरीन आने वाले हैं। जो डेस्टिनी है आपके लिए काफी काफी फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आ रही है। आपकी लाइफ बिल्कुल टर्न होने वाली है, क्योंकि आपकी जो पुरानी साइकिल है, जो ये कार्मिक साइकिल थी या डेस्टिनी में जो लिखा हुआ था, वो साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है या जल्द से जल्द होने वाली है। आपकी लाइफ में बिल्कुल भी आप जैसे सोच रहे हो फ्यूचर आपका होना चाहिए, वैसा ही होगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेस फील करते हो, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हो, बट ट्रस्ट मी, आपकी जो साइकिल थी, जो ये चैलेंजेस की साइकिल थी, जो प्रॉब्लम्स की साइकिल थी, वो एंड होने वाली है। एंड आपकी लाइफ में एक और ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको लेकर आई थिंक आपकी जो जो आपकी लाइफ की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो ही कंप्लीटली चेंज होने वाली है। अभी तक जो आपने स्ट्रगल्स या सफरिंग्स, मैं कहूँ स्पेसिफिकली, जो आपकी लाइफ में थे वो हो चुके, उनकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आपकी कार्मिक साइकिल उनके साथ कंप्लीट हो चुकी है। आपकी जो लाइफ की जर्नी डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज होने वाली है, एंड आपको वो चेंजेस देख के लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको अपनी वर्थ बहुत ज़्यादा रियलाइज होगी तब, जब आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे। एंड माय डियर, बहुत जल्द आने वाले हैं ये चेंजेस आपकी लाइफ में। एंड कोई है जिसकी एंट्री भी आपकी लाइफ में होने वाली है, ये आई डोंट से के स्पेसिफिकली ये रोमांटिक कनेक्शन है, बट कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको गाइड करेगा, बेहतर एडवाइस देगा आपको आपकी सिचुएशंस पे, एंड आपको और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा आपकी लाइफ में, लाइफ के अप्रोच में। बेसिकली आपको सक्सेस के लिए मोटिवेट ज़्यादा करेगा जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। इस पर्सन का जो माइंडसेट है सक्सेस से अडिक्टेड है ये पर्सन, उनको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। सो आपको भी वो उसी तरह से अपनी लाइफ में गाइड करेंगे जिस तरीके से वो खुद
लाइफ को परस्यू करते हैं, वो खुद लाइफ को अप्रोच करते हैं, आपको काफी ज्यादा आपके मेंटर होके गाइड करेंगे। एंड ये जरूरी नहीं कि रोमांटिक कनेक्शन है, बट ये पर्सन जो है आपके साथ काफी टाइम तक जुड़े रहेंगे, हो सकता है लाइफ लॉन्ग जुड़े रहे आपसे, आपकी मेंटरशिप करेंगे बेसिकली टूवर्ड्स लाइफ। हालांकि आप काफी स्ट्रांग हो, काफी आपने अपने आप को पॉलिश किया हुआ है, बट ये आपको और ज्यादा गहराई से लाइफ को जीना सिखाएंगे। यस, आपको बहुत ज्यादा आप सक्सेस काफी हासिल कर पाओगे इस पर्सन की हेल्प से। हो सकता है कि आगे जो आपकी जो भी आपकी अभी तकलीफें हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, स्पेसिफिकली जो अभी आपको स्ट्रेस लग रहा है कि आप अकेले हो लाइफ में, आई थिंक ये जो पर्सन है ना, आपको ना कि सक्सेस दिखाएंगे, ना कि जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको चेंज करना सिखाएंगे, बल्कि आई थिंक आपके साथ बेहतरीन लाइफ की शुरुआत भी करेंगे। आपको एक ऐसी लाइफ देंगे, ऐसी आपको सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देंगे जो अभी तक आपने फील नहीं की है या आपकी लाइफ से मिसिंग है। जो ये पर्सन है काफी ज्यादा, मैंने कहा सक्सेस के अडिक्टेड हैं, एंड इस पर्सन को ना पता है कि लाइफ को जीना कैसे है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, सो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, काफ़ी गाइड करेंगे आपको। मैंने कहा ना कि मेंटर होके आपकी संभाल करेंगे, आपको कहीं डगमगाने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, ना कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें से आपको जो स्ट्रगल्स हैं आपके उसमें से बाहर निकलेंगे। आई थिंक आपसे ये शादी के लिए भी अप्रोच करेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं बट इन फ्यूचर यस, डेस्टिनी आपको वहीं पे लेके जाएगी जहां पे ये पर्सन आपको एक ऐसी लाइफ ऑफर करेंगे जैसी जैसी शायद आपने डिजायर्स की हो, जैसी शायद आपने ड्रीम्स देखे हो। यस, नाउ पाइल नंबर वन आपके लिए एडवाइस कार्ड देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है। ऑल राइट, सी पाइल नंबर वन, आपको थोड़ा ना पेशेंस रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना जल्द से जल्द जो आपने स्ट्रगल्स किए हैं ना उसका रिजल्ट आने वाला है, काफी काफी काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हैं। जो आपने शायद सोचे होंगे कि हाँ ये रिजल्ट तो आने ही वाला है, बट नो, उससे कई ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये यूनिवर्स का मैसेज है, आपकी लाइफ, आपकी जो डेस्टिनी है आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाली हैं, जो भी आपके स्ट्रगल्स आपने किए हैं, जो आपने मेहनत की है एक्चुअली, सो आपकी डेस्टिनी में वो सब कुछ प्लानिंग्स के साथ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। जो आपने अभी तक मेहनत करी है, जो कोशिशें करी हैं, जो एफर्ट्स करे हैं, उसका रिजल्ट काफी बेहतरीन आपको मिलने वाला है पाइल नंबर वन। सो पाइल नंबर वन, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो अबाउट योर डेस्टिनी, एंड अभी तक जो आपकी लाइफ जर्नी रही है हमने पहले वो देखने की कोशिश करी, आपको आगे आपकी डेस्टिनी कहाँ लेके जाएगी हमने वो भी देखने की कोशिश करी इस रीडिंग में आज। एंड आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर आपको ये रीडिंग, ये टॉपिक पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपको मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज। पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू का सिलेक्शन किया है, जिनकी बर्थडे पाइल नंबर टू में है, लेट्स बिगिन देयर रीडिंग। लेट्स सी कि उनकी डेस्टिनी अभी तक उनको यहाँ लेके आई है, कैसे लेके आई है, एंड आगे उनकी जो जर्नी है डेस्टिनी की वो कैसे रहेगी। लेट्स सी, सो पाइल नंबर टू, ऑलराइट।
राइट. सी, काफी ज्यादा आप स्ट्रेस में अभी तक आपकी लाइफ दिख रही है मुझे. कई ज्यादा आप है ना, बेसिकली जो आपका नेचर है पाइल नंबर टू, वो आप ऐसी सिचुएशन में हर बार अपने आप को फंसा हुआ फील करते हो, जहां पे आप डिसीजन लेने में काफी ज्यादा अपने आप को सक्षम नहीं समझते. आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने में कई ज्यादा दिक्कत आती है, और जब बात आती है आप डिसीजन ले लेते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं ही सही हूं यार, मेरा डिसीजन सही है. वहां पे आपको सारे जो आपने जो डिसीजंस लिए होते हैं वो सारे गलत हो जाते हैं, यानी आपको काफी ज्यादा पछतावा होता है वो डिसीजन लेने के बाद, वो एक्शन लेने के बाद स्पेसिफिकली. एंड आप चाहते हो कि आपको हर टाइम कोई ना कोई सपोर्ट करे, आप बिना सपोर्ट के, बिना टीम वर्क के, बिना किसी के एडवाइस के, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते हो, पाइल नंबर टू. एंड आई थिंक आपको किसी जो मतलब अभी तक आपके जो ये डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है, उसमें आपने कई ज्यादा फेलियर्स का सामना किया है, इसलिए जो आपका नेचर है काफी काफी जिद्दी हो चुके हो आप, एंड काफी आप पैसिमिस्टिक भी हो चुके हो अपनी लाइफ से. आपको लगता है कि आपके ऊपर काफी बर्डन्स हैं, बट आप उनको अच्छे से निभा नहीं पा रहे हो. जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप निभा नहीं पा रहे हो, जो आप गलतियां कर रहे हो उससे आपको कोई कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप और ज्यादा उसमें फंसते चले जा रहे हो, उस स्पाइरल में आप और ज्यादा अपने आप को गहराई गहराई आपकी बस उसमें ही हो जा रही है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील करते हो. उसमें से निकलने का रास्ता आपको खुद को मिल ही नहीं रहा है. आपको अगर कोई एडवाइस कर देता है, आप किसी से जाके पूछते हो या डिस्कस करते हो आपकी प्रॉब्लम के बारे में या आपकी सिचुएशन के बारे में, आपको कोई एडवाइस करता है तो ही आप डिसीजन ले पाते हो, आपको ऐसा फील होता है अभी तक आपकी लाइफ में. एंड वो ही डिसीजन आपको लगता है कि सही काम करते हैं, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो, चाहे किसी पर्सन के रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी स्टडीज के रिलेटेड हो, चाहे आप करियर जो परस्यू करना चाहते हो उसके रिलेटेड हो, कुछ भी छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, आप उनसे ही एडवाइस लेके आगे डिसीजन लेते हो या आगे कोई मूवमेंट करते हो लाइफ में. अदरवाइज आपको ऐसा फील होता है कि आपने जो भी डिसीजन खुद से लिए हैं वो फेल गए हैं, एंड आप उसकी वजह से काफी जिद्दी हो चुके हो, काफी आपकी जो लाइफ की अप्रोच है काफी नेगेटिव है, काफी पैसिमिस्टिक है. नाउ लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में आगे क्या होने वाला है. अभी तक जो आपकी लाइफ की जर्नी है काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, बट लेट्स सी आपकी आगे की जर्नी कैसी रहती है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी बेसिकली आपको कहाँ लेके जा रही है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में अभी इस वक्त. बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ही ज्यादा क्लियर है आप. ऑलराइट. सी, आप लाइफ में सक्सेस तो चाहते हो, आप लाइफ में चाहते हो कि वो चेंजेस आए, आपकी डेस्टिनी भी आपको वहां पे गाइड करती है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं
जो आपकी डिसीजन लेने की, जो एडवाइस लेने की दूसरों से हैबिट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप चूक जा रहे हो. पाइल नंबर टू, आई थिंक आपको इंडिपेंडेंटली जो आप डिसीजन लेते हो बिना डरे लेने चाहिए, क्योंकि जो आपके इनर वॉइस है वो ही आपको गाइड करेगी. आपको कई बार ऐसे लगता है कि आप एडवाइस लेके जो काम करते हो वो ही सक्सेसफुल होता है, नहीं, आपकी जो इनर इनर वॉइस है, जो आपके अंदर की आवाज है, जो आपके लिए है, आपको बस उसी को सुनना चाहिए. आपको सक्सेस बहुत ज्यादा मिलेगी, आपकी डेस्टिनी आपके लिए सक्सेस लेके आ रही है, एंड काफी जल्द आपको इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे पाइल नंबर टू, क्योंकि आप जो है काफी, आई थिंक आप काफी ज्यादा निराश हो एंड काफी ज्यादा नेगेटिव हो लाइफ में. सो डेस्टिनी आपको सक्सेस तो दे ही रही है, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है जल्द से जल्द आपकी लाइफ में. विद इन 3 to 4 months आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जहां पे आपकी जो पोजीशन है, अगर मैं स्पेसिफिक करियर की बात करूं, वहां पे मेजर चेंजेस आने वाले हैं. आपके करियर में आपको एक ऐसी पोजीशन ऑफर होगी, आपकी जो रिस्पेक्ट है काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपको, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स वो भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो लाइफ की तरफ अप्रोच है उसको आपको नेगेटिव वे में नहीं देखना है, क्योंकि डेस्टिनी आपको आगे एक बेहतरीन करियर की तरफ लेके जा रही है. स्पेसिफिकली मैं करियर की बात कर रही हूँ, बेहतरीन करियर की तरफ आपकी डेस्टिनी आपको लेके जा रही है, अगर डिसीजन वो आप लोगे बाय योरसेल्फ तो, और नेगेटिव रह के नहीं, पॉजिटिव फील करके, ऑप्टिमिस्टिक फील करके. आपको जो नेगेटिविटी आपने अभी तक अपने दिमाग में, अपने बिहेवियर में जो होल्ड करके रखी है, आपको उसको छोड़ के सोचना पड़ेगा, तो ही आप सही से डिसीजन ले पाओगे. पाइल नंबर टू, डेस्टिनी आपको वहां पे लेके जा रही है, आपको डिसीजन सिर्फ लेने की देर है. पाइल नंबर टू, ऑल राइट, यस, बहुत ज्यादा क्लियर मैसेजेस हैं. आप अपने आप को काफी ज्यादा नेगेटिव कर चुके हो पाइल नंबर टू, काफी. आई थिंक आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के ज़्यादा इश्यूज़ हैं, एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद से डिसीजन लोगे स्ट्रॉन्ग माइंड से, अपनी इनर वॉइस सुन के, तब आपके ये जो सारे इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ पे लेके ही जा रही है. आपको शायद वो रास्ता नहीं दिख रहा है, बट जब आप अपने अपनी आवाज़ सुनोगे, दूसरों पे डिपेंड कम रहोगे, पॉजिटिवली अप्रोच करोगे लाइफ को, आई थिंक आपको वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सब कुछ मिलने वाला है जल्द से जल्द, अगर आप पॉजिटिवली लाइफ को परसू करोगे. एंड आपके मेन कंसर्न्स ही यही हैं पाइल नंबर टू, के आपको लाइफ में, आई थिंक करियर में हो सकता है कि आपको जॉब है या बिजनेस है, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप डिजायर कर रहे हो, आपको वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है अगर आप जॉब में हो, आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, एंड आपको बस ऐसा ही होता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल ना दे, या कहीं आपका जो बिजनेस है वो शट डाउन ना हो जाए. आई थिंक आपको अपनी इनर वॉइस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. वहाँ से आपको जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे. आपकी डेस्टिनी आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी दे रही है, जब आप अपनी इनर वॉइस सुनोगे, जब आप अपने अपने आप से पॉजिटिव रह के डिसीजन लोगे. नाउ लेट्स सी पाइल नंबर टू, आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में. हालांकि आपकी डेस्टिनी आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, बट लेट्स सी कि आपके लिए अभी यूनिवर्स से या डिवाइन से क्या एडवाइस है.
ट्रस्ट. सी पाइल नंबर टू, वेरी क्लियर एडवाइस, वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर. जो आपके यूनिवर्स हैं, जो आपके डिवाइन हैं, जो आपकी हायर सेल्फ है, आपको बस वही एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, सिर्फ अपने आप पर. तब ही आप वो छलांग ले पाओगे, तब ही आप अपनी लाइफ में वो ऊंची उड़ान कर पाओगे. आपको वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी डेफिनेटली डेस्टिनी आपको दे रही है, सिर्फ आपको अपने आप पे भरोसा रखना है. अपने आप पे जो आप ट्रस्ट फेथ रखोगे, उससे ज़्यादा आपको कोई बेहतरीन गाइड, कोई एडवाइस नहीं कर सकता आपकी लाइफ में. एंड डेस्टिनी आपको बस वही वहीं लेके जाएगी. ओके, सो पाइल नंबर टू, ये थी रीडिंग अबाउट योर डेस्टिनी. हमने देखा कि आपकी डेस्टिनी अभी तक आपको कहाँ पे, अभी आपकी लाइफ बेसिकली कहाँ है एंड आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जा रही है, ये हमने आज देखने की कोशिश करी. हमको जो कार्ड से मैसेजेस मिले, ये भी हमने देखने की कोशिश करी. एंड अगर आपको ये टॉपिक, ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को. एंड अगर आपको जो भी टैरोट कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ या जो मैनिफेस्टेशन के बुक्स रीड करती हूँ, उसके लिंक्स चाहिए, वो भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. एंड मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़.